myself Khan sir. Today we will try to understand the Werner theory of coordination compound. Coordination compound की जो Werner theory है, जो Alfred Werner एक Switzerland के जो scientist थे, उन्होंने ये theory दी थी. इस theory की वजह से उन्हें 1913 में Nobel Prize भी दिया गया है. ठीक है, तो basically इस theory को हम समझने की कोशिश करेंगे. ये theory हमें कहती है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कितने टाइप की वैलेंसी होती है, कौन सी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, कौन सी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती है, कौन सी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होती है, कौन सी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड होती है, और किसी कंपाउंड को अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार करना है तो ये तीनों जो पॉस्टुलेट है वर्नर ने जो दिए है उसको सेटिस्फाई करना होता है. अब इसको, इस थ्योरी को हम एग्जाम्पल लेकर यहां पर बच्चों समझने की कोशिश करेंगे. ताकि पोटेशियम फेरो साइनाइड Cn/6. ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हेल्प से हम हमारी वर्नर थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे. पहला जो पॉस्टुलेट है इस थ्योरी का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. ठीक है, पहला जो पॉस्टुलेट है उस पॉस्टुलेट में यहां पर सर वर्नर ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको दो टाइप की वैलेंसी होती है. ठीक है, जो पहली वैलेंसी होती है दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो होती दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी. अब बेसिकली इस कंपाउंड के हेल्प से हम समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है. ये जो पोटेशियम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वही हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, और ये जो Cn/6 है, ये जो Cn के 6 लिगेंड्स है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वही हमारी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है, और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है. और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इट कैन बी आयोनाइज हो सकती है. प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइज हो सकती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइज नहीं हो सकती. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइज नहीं हो सकती. उसके बाद उसने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी से क्या रिलेटेड होगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उससे क्या रिलेटेड होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किससे रिलेटेड होगा, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी से. ऐसा वर्नर ने कहा. लास्ट में उसने कहा कि इफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म इट शुड सेटिस्फाई All above condition. एक coordination compound को अगर coordination bond तैयार करना है तो उसको इतनी जो property है वो satisfy करनी होगी. उसमें primary valency भी होनी चाहिए, उसमें secondary valency भी होनी चाहिए. primary valency जो है वो ionized होगी, secondary valency जो है वो ionized नहीं होगी. primary valency जो है oxidation number होगा जो central metal का उससे रिलेटेड होगी. सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन
नंबर से रिलेटेड होगी, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होगी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड होगी। ठीक है, हमारी जो वर्नर की थ्योरी है फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हमने समझने की कोशिश की। वर्नर की थ्योरी में वर्नर ने यह कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी भी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो इजीली आयोनाइज हम उसको कर सकते। बाद में उसने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है और वो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है डायरेक्शनल होती है, ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है उसकी कोई डायरेक्शन, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है,